हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है तुलसीदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th हिंदी के बोर्ड एग्जाम में तुलसीदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं ट्रिक से लिखनी सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से तुलसीदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं ट्रिक से लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है कि बहुत से स्टूडेंट क्लास 10th हिंदी के बोर्ड एग्जाम में तुलसीदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं याद नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वह इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, जो कि दोस्तों बहुत गलत है। परंतु दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th हिंदी के बोर्ड एग्जाम में तुलसीदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं ट्रिक से लिखनी सिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल पीसीएम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपके क्लास 10th हिंदी के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न 5 के 6 में प्रश्न लिखा हुआ आएगा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। और दोस्तों, इस प्रश्न में 3 कवियों के नाम आपको लिखे हुए मिलेंगे। कितने कवियों के? 3 कवियों के। उनमें से दोस्तों आपको एक कवि का जीवन परिचय और रचनाएं लिखनी है। और दोस्तों, यह जो प्रश्न होगा ना, यह वाला प्रश्न, यह प्रश्न 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। 2 नंबर का जीवन परिचय, 1 नंबर की रचना, टोटल कितने नंबर? 3 नंबर। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के आधार पर आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं तुलसीदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं ट्रिक से लिखनी बताऊंगा कि आप किस तरीके से तुलसीदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं ट्रिक से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है तुलसीदास जी। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? तुलसीदास जी। और इसके बाद दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है नाम। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? नाम। तो पहले दोस्तों हम उस कवि का नाम लिखेंगे जिस कवि का आप जीवन परिचय और रचनाएं लिख रहे हो। तो दोस्तों, मैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं लिख रहा हूं, तो मैं नाम में लिखूंगा तुलसीदास जी। क्या लिखूंगा दोस्तों? तुलसीदास जी। तो मैंने क्या लिख दिया दोस्तों? तुलसीदास जी। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है माता पिता। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? माता पिता। तो दोस्तों, अब आपको तुलसीदास जी के माता और पिता का नाम लिखना है कि उनकी माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों, आपको इस हेडिंग में पहले तो लिखना है पिता। तो पहले हम पिता का नाम लिखेंगे। तो दोस्तों, तुलसीदास जी के पिता का नाम था श्री आत्माराम दुबे। क्या था दोस्तों? श्री आत्माराम दुबे। इसके बाद दोस्तों आपको अगली लाइन में लिखना है माता। अब दोस्तों आपको तुलसीदास जी की माता का नाम लिखना है, तो इनकी माता का नाम था श्रीमती हुलसी। क्या था दोस्तों? श्रीमती हुलसी। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है जन्म। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? जन्म। तो दोस्तों, अब आपको तुलसीदास जी की जन्म तिथि लिखनी है कि उनका जन्म कौन सी सन को हुआ था। तो दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है सन 1532 ईस्वी। क्या लिखना है दोस्तों? सन 1532 ईस्वी। तो दोस्तों, तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है जन्म स्थान। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? जन्म स्थान। तो दोस्तों, अब आपको तुलसीदास जी का जन्म स्थान के बारे में लिखना है कि उनका जन्म कौन से स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों, आपको इस हेडिंग में पहले तो लिखना है ग्राम। क्या लिखना है दोस्तों? ग्राम। तो पहले हम गांव का नाम लिखेंगे कि तुलसीदास जी का जन्म कौन से गांव में हुआ था। तो गांव का नाम था दोस्तों राजापुर। क्या था दोस्तों? राजापुर। अब इसके बाद दोस्तों आपको लिखना है जिला। तो अब हम उस जिले का नाम लिखेंगे जहां तुलसीदास जी का जन्म हुआ। तो दोस्तों, जिला था बांदा। क्या था दोस्तों? बांदा। तो बांदा जिला राजापुर गांव में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, और ये बात आपको किस में लिखनी है? जन्म स्थान में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है गुरु या शिक्षक। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? गुरु या शिक्षक। तो दोस्तों, अब आपको तुलसीदास जी के गुरु या शिक्षक का नाम लिखना है जिनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है
नर हरिदास। क्या लिखना है दोस्तों? नर हरिदास। तो दोस्तों तुलसीदास जी ने ज्ञान और भक्ति की शिक्षा नर हरिदास जी से ली थी और वही इनके गुरु थे। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग लिखनी है लेखन विधा। क्या लिखनी है दोस्तों? लेखन विधा। तो दोस्तों अब आपको यह बताना होगा कि तुलसीदास जी कौन सी विधा में अपनी रचनाएं लिखते थे। तो दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है काव्य। क्या लिखना है दोस्तों? काव्य। तो तुलसीदास जी जो थे वह अपनी रचनाएं काव्य में लिखते थे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग लिखनी है भाषा शैली। क्या हेडिंग लिखनी है दोस्तों? भाषा शैली। तो दोस्तों अब आपको यह बताना होगा कि तुलसीदास जी की जो भाषा थी, जो शैली थी, वो कौन सी थी, वो कौन सी भाषा में या शैली में अपनी रचनाएं लिखते थे। तो दोस्तों आपको इस हेडिंग में पहले तो लिखना है भाषा। क्या लिखना है दोस्तों? भाषा। तो पहले तुलसीदास जी की भाषा पर बात कर लेते हैं कि तुलसीदास जी जो रचनाएं लिखते थे वो कौन सी भाषा में लिखते थे। तो दोस्तों इनकी भाषा थी ब्रजभाषा और अवधी। क्या थी दोस्तों? ब्रजभाषा और अवधी। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है शैली। तो दोस्तों अब आपको यह बताना होगा कि जो तुलसीदास जी रचनाएं लिखते थे वो कौन सी शैली में लिखते थे। तो दोस्तों इनकी जो शैली थी वो थी काव्य शैली। क्या थी दोस्तों? काव्य शैली। तो दोस्तों तुलसीदास जी जो रचनाएं लिखते थे वो काव्य शैली में लिखते थे। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग लिखनी है प्रमुख रचनाएं। क्या लिखनी है दोस्तों? प्रमुख रचनाएं। तो दोस्तों अब आपको ये बताना होगा कि तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी थी जो कि उन्होंने अपने जीवन में लिखी थी। तो दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है श्री रामचरितमानस, जानकी मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका आदि। तो दोस्तों ये वो रचनाएं हैं जो तुलसीदास जी ने अपने जीवन में लिखी थी। श्री रामचरितमानस, जानकी मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका आदि। तो ये वो रचनाएं हैं जो कि उन्होंने अपने जीवन में लिखी थी तुलसीदास जी ने, और इन्हें हम प्रमुख रचनाएं कहते हैं तुलसीदास जी की। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग लिखनी है निधन। क्या लिखनी है हेडिंग? निधन। तो दोस्तों अब आपको यह बताना होगा कि तुलसीदास जी की जो मृत्यु हुई थी, जो निधन हुआ था, वो कौन सी सन को हुआ था। तो दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है सन 1623 ईस्वी। क्या लिखना है दोस्तों? सन 1623 ईस्वी। तो दोस्तों तुलसीदास जी की जो मृत्यु हुई थी वो सन 1623 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग लिखनी है साहित्य में स्थान। क्या हेडिंग लिखनी है दोस्तों? साहित्य में स्थान। तो दोस्तों अब आपको यह बताना होगा कि तुलसीदास जी का साहित्य में कौन सा स्थान था। तुलसीदास जी को हिंदी में कौन सा स्थान दिया गया था हिंदी साहित्य में। तो दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है काव्य शास्त्र के पंडित। क्या लिखना है दोस्तों? काव्य शास्त्र के पंडित। तो दोस्तों तुलसीदास जी को जो साहित्य में स्थान दिया गया था वो काव्य शास्त्र के पंडित का स्थान दिया था। काय का स्थान दिया था? काव्य शास्त्र के पंडित का। ये काव्य शास्त्र के एक पंडित थे दोस्तों तुलसीदास जी। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं लिखनी है। ये दोस्तों तुलसीदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं लिखने का शॉर्ट ट्रिक है। क्या है दोस्तों? शॉर्ट ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आप तुलसीदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं लिख सकते हैं, वो भी हिंदी के बोर्ड एग्जाम में। और इससे आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं यदि किसी के तुलसीदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं विस्तृत तरीके से याद नहीं होता है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।